हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम अपने लास्ट लेक्चर में देख रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ पीडीएस, कैसे हम पीडीए बाय फाइनल स्टेट टू पीडीए बाय एम्प्टी स्टोर और पीडीए बाय एम्प्टी स्टोर टू पीडीए बाय फाइनल स्टेट हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे थे। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा था। आइए उसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे कोई ऐसा पीडीए है जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है एम्प्टी स्टेट से, तो कैसे हम उसका कन्वर्जन करते हैं जो कि फाइनल स्टेट से लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लगे। अब इस लेक्चर में हम लोग जस्ट उल्टा देखेंगे, एक ऐसा पीडीए दिया रहेगा कि जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है फाइनल स्टेट से, लेकिन हम लोग उसका कन्वर्जन करेंगे ऐसे पीडीए में जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा एम्प्टी स्टोर से। तो आइए हम लोग इसकी पहले थ्योरम देखते हैं और फिर हम लोग आगे का इसका देखते हैं क्या है रूल्स इसको कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरम देखते हैं। लेट एम इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट गामा जेड नॉट and f is a pda which accept language by final state। इसमें f का ये सेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करता है बाय फाइनल स्टेट। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पीडीए एन इक्वल्स टू क्यू डैश सिग्मा गामा डैश क्यू नॉट डैश जेड नॉट डैश डेल्टा डैश एंड फाई। देखिए यहाँ पे फाइनल स्टेट से हम एक्सेप्ट कर रहे थे तो एफ का सेट दिया हुआ था, और अब हम एम्प्टी स्टोर से करेंगे तो फाइनल स्टेट की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम फाई कर देते हैं। ठीक है, विच एक्सेप्ट लैंग्वेज बाई एम्प्टी स्टैक सच दैट एल एम इक्वल्स टू एल एम डैश या एल एन, यहाँ पे हमने लिया है तो एल एम इक्वल्स टू एल एन, दोनों की लैंग्वेज जो क्या हो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो पिछले वाले में तीन रूल थे, इसमें चार रूल्स हैं, उनकी हेल्प से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, लेट क्यू डैश में क्या लें, क्यू डैश इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, हम लोग ले लेंगे जितने भी स्टेट्स उसमें दी हैं वो सारी यूनियन, एक नई स्टेट ले लेंगे जो स्टार्टिंग स्टेट होगी क्यू नॉट डैश, और एक स्टेट हम लोग ले लेंगे जो है डी को हम लोग बोलेंगे डेड स्टेट। डी जो है ये डेड स्टेट का रिप्रेजेंट करेगा डेड स्टेट को, और ये दोनों जो हैं ये ओरिजिनल क्यू में नहीं होने चाहिए, एंड डी रिप्रेजेंट डेड स्टेट। डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पे दूसरी स्टेट से तो पहुँचा जा सकता है लेकिन कोई भी दूसरी स्टेट डेड स्टेट से रीचेबल
नहीं होती, यानी डेड स्टेट हर स्टेट से रिचेबल होती है बट कोई दूसरी स्टेट डेड स्टेट से रिचेबल नहीं होती, यानी डेड स्टेट से कोई भी रास्ता निकलता नहीं, कोई भी आर्क निकलती नहीं है। गामा डैश में हम लोग गामा के जितने भी मेंबर रहेंगे वो सारे रख लेंगे, यूनियन जेड नॉट डैश, ये जो जेड नॉट डैश है ये ओरिजिनल गामा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड डेल्टा डैश इज डिफाइंड एज, डेल्टा डैश इज डिफाइंड एज फॉलोज, डेल्टा डैश इज डिफाइंड एज फॉलोज। इसके चार रूल्स हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। आर वन रूल वन, डेल्टा डैश क्यू नॉट डैश लेमडा जेड नॉट डैश, यानी कि नए वाले पीडीए के स्टार्टिंग स्टेट से जो हम बनाने जा रहे हैं उस पीडीए के स्टार्टिंग स्टेट से लेमडा मूव हम लोग करा दें, उसका जो बॉटम है स्टैक के जेड नॉट से पुराने वाले पीडीए के स्टार्टिंग स्टेट पे, यानी कि जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग स्टेट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट डैश, यहाँ पे आ जाएगा जेड नॉट और यहाँ पे आ जाएगा जेड नॉट डैश, सॉरी ये कॉमा की यहाँ जरूरत नहीं है, जेड नॉट डैश, ठीक है। ये हम लोग मूव करा देंगे। आर टू रूल टू क्या कहता है, डेल्टा डैश क्यू ए जेड, डेल्टा डैश क्यू ए जेड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ए जेड, और जितनी भी मूव्स हैं उनको हम लोग एज इट इज रखेंगे, फॉर एवरी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, ए बिलोंग्स टू सिग्मा यूनियन लैम्डा एंड जेड बिलोंग्स टू गामा, एंड जेड बिलोंग्स टू गामा। रूल थ्री, रूल थ्री क्या कहता है, डेल्टा डैश क्यू लैम्डा जेड, जितने भी लैम्डा मूव होंगी उनको हम लोग एज इट इज रखते हैं पहले तो क्यू लैम्डा जेड, और साथ ही साथ हम लोग हर स्टेट का डेड स्टेट से लैम्डा मूव कराते हैं, यानी कि डी लैम्डा, तभी तो हम यहाँ पे पॉप कराएंगे, जितने भी जेड होंगे उनको अगर हम पॉप कराएंगे तभी तो हमें डी स्टेट पे स्टैक जो है वो एम्प्टी मिलेगा। फॉर एवरी ये काम हमें करना है, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू गामा यूनियन जेड नॉट डैश एंड क्यू बिलोंग्स टू एफ, ये हमेशा करना है, ठीक है। एक रूल और है, रूल फोर, हर स्टेट से डेल्टा डैश डी लैम्डा जेड, डी लैम्डा जेड इक्वल्स टू हम लोग पॉप कर दें केवल डी लैम्डा, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू गामा यूनियन जेड नॉट डैश, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग इसको कैरी आउट करेंगे, ठीक है। सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पीडीए
convert the following PDA which accept the language by final state equivalent to a PDA which accept language by empty store ठीक है डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट ए जेड नॉट डेल्टा क्यू नॉट ए इक्वल्स टू क्यू नॉट ए डेल्टा क्यू नॉट बी ए इक्वल्स टू क्यू वन लैम्डा डेल्टा क्यू वन बी ए इक्वल्स टू क्यू वन लैम्डा एंड डेल्टा क्यू वन लैम्डा जेड इक्वल्स टू क्यू एफ लैम्डा ये क्यू एफ फाइनल स्टेट है यहाँ पे ठीक है तो इसको कन्वर्ट करना है हमें तो हम लोग सबसे पहले m इक्वल्स टू क्या लें हमें दो नई स्टेट ऐड करनी है एक तो q नॉट डैश और दूसरी d तो जो भी कैपिटल q का सेट है उसमें हम ये दोनों स्टेट्स ऐड कर देंगे तो q नॉट डैश q नॉट q1 qf ये तीन तो थी और एक हम अपनी तरफ से ऐड कर दिए d सिग्मा चेंज नहीं होना है वही रहना है एक नया स्टैक सिंबल ए और जेड जीरो तो पहले से थे अब एक हम नया ऐड कर दें क्या जेड जीरो डैश ये नया आ गया डेल्टा डैश जो अभी हम डिफाइन करेंगे क्यू नॉट डैश जो हम इसमें ऐड कर चुके हैं जेड नॉट डैश जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और फाई अब कोई भी स्टेट फाइनल नहीं रहेगी सारी स्टेट जो है वो नॉन फाइनल हो जाएंगी एंड डेल्टा डैश इज डिफाइंड एज अब इसमें करना क्या है ये जितने प्रोडक्शंस दिए हुए हैं इसको तो एज इट इज रखना है बस हमें एक सबसे पहले ऐड करना है लैम्डा मूव क्यू नॉट डैश से इस क्यू नॉट पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डेल्टा डैश लैम्डा मूव डिफाइन करें क्यू नॉट डैश लैम्डा जेड नॉट डैश यहां से कहां पे लैम्डा मूव होगा यहां से होगा लैम्डा मूव
क्यू नॉट, और अब स्टैक का जो टॉप बन जाएगा वो जेड नॉट, और जेड नॉट डैश जो है वो बॉटम पे रहेगा। ये हमको ऐड करना है, बाकी सारे एज इट इज हमें लिखने हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज करना नहीं है। आप देख लीजिए जो रूल 2 और 3 दिया है, डेल्टा डैश जो है एज इट इज रूल 2 में जितने भी हैं सिग्मा यूनियन लैम्डा के लिए वो सारे को इंक्लूड करना है। तो रूल 2 के हिसाब से हमको सबको यहाँ पे एज इट इज लिख लेना चाहिए जितने भी दिए हुए हैं। इसमें केवल डेल्टा डैश करते हुए डेल्टा डैश क्यू नॉट ए जेड नॉट इक्वल्स टू क्यू नॉट ए जेड नॉट, ये डेल्टा डैश क्यू नॉट ए ए इक्वल्स टू क्यू नॉट ए ए क्यू नॉट ए ए डेल्टा डैश क्यू नॉट बी ए इक्वल्स टू क्यू वन लैम्डा। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो उसमें रूल्स दिए हुए हैं उन सबको हम सिर्फ यहाँ पे डेल्टा डैश लगा के लिखते जा रहे हैं बिकॉज इनमें कोई चेंज होना नहीं है। डेल्टा डैश क्यू वन बी ए इक्वल्स टू क्यू वन लैम्डा, और उसके बाद अब नेक्स्ट रूल जो है रूल 3 डेल्टा डैश क्यू एफ लैम्डा जेड जीरो इक्वल्स टू डेल्टा डैश क्यू एफ लैम्डा जेड जीरो डैश इक्वल्स टू डेल्टा डैश क्यू एफ लैम्डा ए इक्वल्स टू डी लैम्डा। फाइनल स्टेट से जेड जीरो से और जेड जीरो डैश से और ए से, इन तीनों से हमने डी लैम्डा यानी कि डी स्टेट पे जो है वो हमारा पॉप ऑपरेशन होना चाहिए। एक तो हमने ये डिफाइन किया, उसके बाद जितनी भी स्टेट्स थी सबसे हम लोग लैम्डा मूव करा देंगे जो नई वाली डेड स्टेट है उस पे। तो डेल्टा डैश डी लैम्डा जेड जीरो इक्वल्स टू डेल्टा डैश डी लैम्डा जेड जीरो डैश इक्वल्स टू डेल्टा डैश डी लैम्डा ए इक्वल्स टू डी लैम्डा। ये तो इस तरीके से हम किसी गिवन पीडीए को जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता हो फाइनल स्टेट से उसको हम लोग ऐसे पीडीए में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट करे एम्प्टी स्टोर से। तो अब इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे हमने पंपिंग लेमा का जिक्र किया था रेगुलर लैंग्वेजेस के केस में, आपको याद होगा अगर पंपिंग लेमा रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमने जिक्र किया था, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पंपिंग लेमा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए पंपिंग लेमा देखेंगे हम लोग क्या है स्टेटमेंट और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में पंपिंग लेमा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के साथ। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं फिलहाल, तब तक के लिए बाय।